हेलो स्टूडेंट, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के पिछले वीडियो में आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था और उसकी डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम उस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए वेरिएशंस अर्थात पीरियोडिक वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो होगा पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ आईपी या आईई अर्थात आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल में पीरियोडिक वेरिएशन, और इसमें भी हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर अर्थात अप टू डाउन, और वो भी किसके लिए, फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ध्यान दें, आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट। आपके जो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखिएगा इसके लिए कंक्लूजन क्या होगा, ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, अर्थात अगर हम अप टू डाउन जाते हैं तो ऐसी कंडीशन पर आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज एंड शेल्डिंग इफेक्ट। जबकि अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम। तो ध्यान दें कि एक ग्रुप में आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो रिमेन सेम होता है, जबकि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज और शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस वजह से आईपी की वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे मैं बात करूं ग्रुप नंबर फर्स्ट, ली ना के रब सी, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इधर जाएंगे हम, तो इधर जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आईई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। इसी के सिमिलर ग्रुप नंबर टू में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, इसके अंदर भी यही ऑर्डर होगा, तो इसके अंदर ये ऑर्डर होगा। ऐसे ही हम बात करें ग्रुप नंबर 17 फिल कल बाहर आई, तो इसके अंदर भी ऑर्डर यही होगा। बट हम यहाँ से ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 13 में एक एक्सेप्शन है, तभी हमने लिखा था कि जनरली अर्थात ऑलवेज डाउन द ग्रुप जाने पर आई का मान डिक्रीज नहीं होता। कुछ केस ऐसे हैं अर्थात कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर आई का मान डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होता है। जैसे ग्रुप नंबर 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला, ध्यान दें बैंगन आलू गाजर इन थैला, अगर इसके आईपी के ऑर्डर की मैं बात करूं तो बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम का मोर होना चाहिए, बट गैलियम का एल्यूमिनियम से मोर होता है, तो यहाँ पर आएगा गैलियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम और टेलूरियम में भी पहले टेलूरियम आएगा और उसके बाद में इंडियम आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर तो अप्लाई होता है लेंथेनोइड कंट्रैक्शंस और यहाँ पर अप्लाई होता है आपका ट्रांसिजन कॉन्ट्रैक्शंस, जिनके बारे में हम या इनके बारे में स्टडी हम आगे करते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इन ग्रुप की बात कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पीरियड की बात करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बी इन अ पीरियड। अब हम पीरियड में डिस्कस करेंगे अर्थात लेफ्ट टू राइट, और वो भी किसके लिए, फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या हो गया,
एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या कंक्लूजन होगा, अभी हमने इससे पहले ग्रुप का डिस्कशन किया था तो हमने बोला था अप टू डाउन, अब हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज। ध्यान दें, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जनरली वर्ड यूज किया हमने यहाँ भी, इससे पहले भी जनरली था, अर्थात ऑलवेज नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शन केस ऐसे हैं जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जनरली इंक्रीज, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज जेड इफेक्ट, अर्थात लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है और आपका जो एटोमिक साइज है वो एटोमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने से हमें मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब हम यहाँ से इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर वन। पीरियड नंबर वन में आपके टू एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। अब आप देखिएगा यहाँ पर s क्या है, फुल फिल्ड है और हमें पता है कि फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब यहाँ पर मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर अगर मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी तो इसका आईपी भी क्या होगा, मोर होगा। और वैसे भी लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम पीरियड नंबर टू के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर टू। पीरियड नंबर टू में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब आप देखिएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1, इसका हो जाएगा 1s2 2s2, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p1 और उसके बाद यहाँ से 2p2, इसका हो जाएगा 2p3, यहाँ पर हो जाएगा 2p4, यहाँ पर होगा 2p5 और यहाँ पर हो जाएगा 2p6। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखिएगा, अभी हमने फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में जब डिस्कस किया था तब आपसे कहा था कि एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर कौन सा वाला रूल अप्लाई होगा, हाफ फील्ड वाला। तो नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो हाफ फील्ड से होगा, जबकि ऑक्सीजन में हाफ फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन से मोर होगा। और एक याद देखिएगा, बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कौन से होगा, एस सबशेल से रिमूव होगा, जबकि बोरोन में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कौन से सबशेल से होगा, वो पी सबशेल से रिमूव होगा। तो आप देखिएगा एस सब सेल और पी सब सेल में से पेनिट्रेशन पावर की अगर मैं बात करूं तो एस का पेनिट्रेशन पावर पी से मोर होता है। तो यहाँ पर बेरिलियम का आईपी जो है वो बोरोन से भी क्या होगा, मोर होगा। तो अब हम यहाँ से इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो हम आईपी फर्स्ट के ऑर्डर की बात करें तो हमने कहा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी का मान इंक्रीज होता है। तो सबसे लोअर होगा लिथियम। अब बेरिलियम और बोरोन में एक्सेप्शन है, तो बोरोन पहले होगा, बेरिलियम उसके बाद होगा, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है तो पहले ऑक्सीजन आएगा उसके बाद में नाइट्रोजन होगा, उसके बाद में फ्लोरीन है और सबके लास्ट में नियोन है। और नियोन तो ऐसे भी कौन सी गैस है, नोबल गैस है, और नोबल गैस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, इन अ पर्टिकुलर
पीरियड, अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में हम बात करें तो सबसे मोर आईपी होगा ग्रुप 18 का और सबसे लेस आईपी होगा ग्रुप फर्स्ट का। तो ध्यान दें, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट हैव मिनिमम आईपी या आईई। तो ध्यान दें, एक पर्टिकुलर पीरियड में ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनका आईपी सबसे लेस होता है। और अगर बात करें किसका, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट, और आपके जो ग्रुप नंबर 18 है उसके जो एलिमेंट होते हैं उनका जो आईपी है वो एक पीरियड में सबसे मैक्सिमम होता है। तो उनका आईपी सबसे मैक्सिमम, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है ड्यू टू कंप्लीट फुलफिल ऑर्बिटल, अर्थात इनका जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फुलफिल होता है, अर्थात इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए यहाँ पर मोर अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो सबसे हाई है, अर्थात इनका जेड इफेक्ट सबसे मैक्सिमम है, और जेड इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं है। तो ये आपके पीरियड नंबर थर्ड में फर्स्ट आईपी के बारे में डिस्कस हुआ। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा तो देखिएगा, अब हम इनके आईपी टू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आईपी टू के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये तो बन जाएगा एलआई प्लस, बेरियम प्लस, बोरोन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब जैसे इस आयन का फॉर्मेशन होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s² और 2s तो जीरो हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर s ऑर्बिटल कंप्लीट ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पर 1s² हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, 1s² होगा और 2s² में 2s1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इस वाले में देखिएगा p कंप्लीट ब्लैंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s² और ये हो जाएगा 2s². उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1s², 2s2 और 2p1। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ पर हो जाएगा 2p2, यहाँ पर हो जाएगा 2p3, यहाँ पर हो जाएगा 2p4 और यहाँ पर हो जाएगा 2p5। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हमने पेरियोडिक फंक्शन पढ़ा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी का मान इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी इंक्रीज होगा जनरली, बट हमें पता है कि दो इफेक्ट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एक तो पेनिट्रेशन पावर और एक हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अर्थात ये P3 है और ये P4 है, और एक आपके पास यहाँ देखिएगा यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर तो पेनिट्रेशन पावर वाला रूल अप्लाई होगा और यहाँ पर क्या होगा, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। तो अब आप देखिएगा अगर हम यहाँ से इनके IP2 के ऑर्डर की बात करें तो इनके IP2 का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिएगा लिथियम के और बेरिलियम, उसके बाद में बेरिलियम। अब आप देखिएगा यहाँ से ये क्या बन गया, लिथियम नोबल गैस बन गई, अर्थात ये हीलियम के सिमिलर हो गया, अर्थात ये क्या बन गया, नोबल गैस, अर्थात लिथियम के सिमिलर हो गया, सॉरी हीलियम के सिमिलर हो गया। तो ये यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, सबके लास्ट में। तो यहाँ पर ऑर्डर में आपका जो लिथियम है वो सबके लास्ट में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे किससे, बेरियम से। तो सबसे पहले बेरियम के बाद में बोरोन, कार्बन में देखिएगा कार्बन और बेरियम में पेनिट्रेशन पावर होगा तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो पहले कार्बन होगा, उसके बाद में बोरोन होगा, उसके बाद नाइट्रोजन। अब आप देखिएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, फ्लोरीन
और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और सबके लास्ट में नियॉन, और नियॉन के भी लास्ट में क्या आएगा, लिथियम, क्योंकि लिथियम में क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो गया, इसलिए इसका आईपी सबसे मोर होगा। ये इसी के साथ आपका जो आईपी सेकंड का ऑर्डर भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये पेरियोडिक वेरिएशन ऑफ आईपी और आई का पोर्शन कंप्लीट होता है। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईपी या आईई, आईपी और आईई का एप्लीकेशन। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अर्थात मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में आइडेंटिफिकेशन। तो देखिएगा, हम यहाँ से बात करें तो पीरियड में हम बात करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट, हम एक पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होगा, अर्थात पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईई की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आईई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और यहाँ पर आईई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। अब आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, इस साइड यहाँ पर होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, बीच में होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, और इस साइड में होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। और आप देखिएगा एस और डी ब्लॉक, तो एस और डी ब्लॉक तो किससे रिलेटेड होते हैं, मेटल से, और पी ब्लॉक किससे रिलेटेड होते हैं, नॉन मेटल से, और इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, मेटेलॉइड्स होती है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या सेंस हुआ कि जो मेटल्स होती है उनका आई मिनिमम होता है, और जो नॉन मेटल होती है उनका आई मैक्सिमम होता है। इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर के तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अब हम इसको स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। तो देखिएगा, इसमें हम फर्स्ट मेटल के लिए डिस्कस करेंगे, तो जो मेटल होता है उसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वो लो होती है। जैसे बात करूँ मैं ग्रुप फर्स्ट ली ना के रब सी, इन सब के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, इसलिए ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, इन सबको हम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बना, तो देखिएगा मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा ईजिली रिमूव करती है, तो मेटल रिमूव इलेक्ट्रॉन ईजिली, क्यों, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेस होता है। तो ध्यान दें, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव करती है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, लेस होता है। अब अगर वो लेस होगा तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, तो इसका मतलब कंक्लूजन यह है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आईपी के। जिसका आईपी मोर होगा उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी लेस होगा, जिसका आईपी लेस होगा उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या होगा, मोर होगा। तो यहाँ से हम यहाँ से नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल्स के लिए आयनाइजेशन जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है, लो नहीं हाई होती है। इसका मतलब जैसे मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 17 जिसमें आपका आता है फिल कल बहार आई, ये हेलोजन्स है, और ये क्या सब क्या होते हैं, ये होते हैं हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब एलिमेंट है,
तो ध्यान रखना पूरी पैरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अर्थात इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे मोर है। और पैरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, अर्थात इनकी इलेक्ट्रॉन डोनर की टेंडेंसी सबसे मोर होती है। अब आप इसको यहाँ से राइट डाउन करो तो देखिएगा क्या कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, आईई की वैल्यू बढ़ेगी, आईई का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन पर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो तो डिक्रीज होंगे और नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर हैं वो इंक्रीज होंगे। तो ध्यान दें ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी डिक्रीज होती है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे नंबर सेकंड एप्लीकेशन, रिड्यूसिंग नेचर। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि रिड्यूसिंग का मतलब क्या है। रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट से मतलब है विच इलेक्ट्रॉन, विच लूज इलेक्ट्रॉन, विच लूज इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट, या मैं ऐसे भी बोल सकते हैं विच एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ध्यान दें इलेक्ट्रॉन डोनर करने की टेंडेंसी रिड्यूसिंग नेचर कहलाती है। अब आप ध्यान दें कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनर करने की टेंडेंसी मोर है उसका आई क्या होना चाहिए, लेस। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन हुआ, तो कंक्लूजन यह होगा कि रिड्यूसिंग नेचर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। तो ध्यान दें रिड्यूसिंग नेचर जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जिसका आयनाइजेशन एनर्जी मोर होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी लेस होगी, तो उसका रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, लेस होगा। अब आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट कीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके नेक्स्ट पीरियडिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा पीरियड में हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईई की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है और जेड इफेक्ट इंक्रीज होने से अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या सेंस हुआ, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है वो इंक्रीज होगी। तो ध्यान दें पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी रिमूव डिक्रीज होती है, तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से तो रिड्यूसिंग नेचर तो डिक्रीज होगा और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में कौन सा होता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट एल्कलाइन मेटल ली ना के रब सी, और पीरियोडिक टेबल में इधर लास्ट में नोबल गैस होती है बट उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर आपका ग्रुप कौन सा होगा,
तो यहाँ पर होगा ग्रुप 17, और ग्रुप 17 किसको बोलते हैं अपन, हैलोजन को। तो यहाँ पर ग्रुप 17 हैलोजन होगा कौन सा, फिल कल बहार आई। तो आप देखिएगा ये स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्रुप फर्स्ट है एल्कलाइन मेटल, क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी हाई है। इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी जो है वो क्या होती है, हाई होती है। अभी हमने कहा था क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, तो हमने कहा था ग्रुप फर्स्ट जो है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, और ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव मेटल है। तो इनका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी इनकी हाई होती है। तो इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी है और इनकी हाई इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी है, इसलिए ये हाईली क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये हाईली क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब क्या सेंस हुआ कि जो मेटल्स होती है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और आपकी जो नॉन मेटल है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अब आप इसको यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन कीजिएगा, हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। का मतलब इसके अंदर कंक्लूजन क्या होगा, तो सिंपल सा कंक्लूजन है कि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो जो रिड्यूसिंग नेचर है वो डिक्रीज होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं नंबर थ्री एप्लीकेशन। नंबर थ्री एप्लीकेशन में बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसके बारे में हम हायर क्लासेज में स्टडी करेंगे। इसी के साथ ये एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।